और उसको रिकॉल करने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसका नाम है मैथ फ्लैश सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पिक द फर्स्ट लेटर ऑफ योर आंसर रीअरेंज टू रिवील अ न्यू वर्ड अब ये एक एक्टिविटी है अ रिडल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपको उनको आंसर करना है उसके बाद जो आंसर के फर्स्ट लेटर हैं उनको हम लिख लेंगे उसके बाद उन लेटर्स को हम रीअरेंज करेंगे टू फाइंड आउट दैट वर्ड So let's get started. A globe is shaped like. Globe ki kya shape hoti hai? Exactly, it's a sphere. Isme hamara first letter kya hai? S. Second hai. What is the shape of a rugby ball? आपने rugby ball को देखा होगा TV sports में. तो उसकी shape क्या है? It's oval. इसका first letter है O. अब थर्ड क्या है वट वर्ड इज डिस्क्राइब टू लाइन्स नेवर मीट हम उस वर्ड को क्या कहते हैं जहां पे टू लाइन्स एक दूसरे के ऑपोजिट चलती हैं लेकिन कभी मीट नहीं होती सो वी कॉल इट पैरल लाइन्स ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है फिर आता है विच ऑफ दीज हैज नो कॉर्नर कौन सी शेप है जिनकी कॉर्नर नहीं है क्या वो सर्कल है स्क्वायर है या ट्रायंगल है सो इट्स वेरी ऑब्वियस सर्कल एक शेप है जिसके पास कोई कॉर्नर नहीं होता अ रूलर इज यूज टू डैश लेंथ रूलर का क्या पर्पस है एग्जैक्टली इट इज यूज टू मैदी लेंथ नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट एंड डैश इज फॉर्म्ड वो क्या चीज है या वो क्या चीज बनती है जब टू लाइंस इंटरसेक्ट होती है इंटरसेक्ट मीन दे क्रॉस अदर एट अ पॉइंट सो वी कॉल इट एन एंगल आई होप ये चीजें आपने पिछली क्लासेस में की होंगी और अब हम इसे रिकॉल कर रहे हैं सो वी आर डन विद दिस अब हमारे पास लास्ट लाइन रह गई है सो लेट्स मूव टूवर्ड्स दोर्ड स्टूडेंट हमारा लास्ट पार्ट है एन एंगल मेजरिंग वन एटीज एंगल आई होप आपको ये भी याद होगा हमने काफी सारी चीजें लास्ट क्लास में या प्रीवियस क्लास में स्टडी की हुई है वो एंगल जो वन एटी डिग्री बनाता है उसे हम क्या कहते हैं हम उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल तो बच्चों हमारे पास सब एंसर्स के इनिशियल्स आ गए हैं अब हम इन सब के इनिशियल को लिख लेते हैं फर्स्ट है हमारे पास एस फिर है ओ फिर है पी सी एम और ए एंड एस तो बच्चों मैंने सबके इनिशियल्स लिख लिए हैं स्टूडेंट्स so अब हम इनको रीअरेंज कर सकते हैं एंड फाइंड आउट कि ये वर्ड क्या है अपनी वीडियो को जरा पॉज करें और सोचें ये क्या वर्ड बन सकता है एग्जैक्टली exactly, ये बना है कम्पस C O M P A S S. वेरी गुड Compass एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होता है तो चलिए स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन जो के है ज्योमेट्री पे जब भी आप ज्योमेट्री वर्ड सुनते हैं आपके जहन में बहुत सारी शेप्स और lines की बात आती है सो so, आज हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स एंड lines. हम शेप्स एंड lines के बारे में डिस्कस करेंगे The most common shapes we see in our surroundings are often present in nature, but not immediately identified. बहुत सारी ऐसी शेप हैं जो हमारी नेचर में मौजूद हैं, लेकिन हम उसे इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं जैसा कि फर्स्ट शेप है हमारे पास सफेयर सफेर एक थ्री शेप है थ्री शेप की बहुत सारी जो चीजें हैं या सफेयर से बनी हुई बहुत सारी चीजें हैं वो हमारी नेचर में पाई जाती हैं जैसा कि आप देख सकते हैं बॉल सन प्लैनट एंड सोप बबल अगर आपने प्लैनट्स को देखा होगा अपने टीवी में या अपने कंप्यूटर्स में या लैपटॉप में आप उनकी शेप को देख सकते हैं वो शेप होती है सफेयर जैसा कि आपके सामने आपका फुटबॉल होता है या आप जैसे गेम्स खेलते हैं जो बॉल्स होती है उसकी भी शेप होती है सफेर नाउ हमारे पास सेकेंड शेप है सर्कल सर्कल एक टू डी शेप है ये एक फ्लैट सर्फिस होती है सर्कल में आप बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्व कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ मेनी फ्रूट्स लाइक क्यूकम्बर एंड बनाना क्रॉस सेक्शन का मतलब है जब आप बनाना या क्यूकम्बर को काटते हैं उसकी जो शेप आती है वो होती है सर्कल इवन जब आप अपने वाटरमेलन को कट करते हैं वो भी एक शेप बनाता है सर्कल की नाउ लेट स्टडी मोर शेप्स एंड मूव टूवर्ड दोर्ड सो स्टूडेंट हमारी नेक्स्ट शेप है Concentric circle. concentric क्या होते हैं पहले तो हम इसको स्टडी करते हैं concentric circle. Concentric circle वो होती है, आपने पानी के अंदर कोई भी अगर ड्रॉप फेंकते हैं जो सर्कल्स बनते हैं दैट इज कॉल्ड अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल और ये सर्कल्स आपको आपके ट्री ट्रंक पे भी नजर आएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में और ये आपकी बुक के अंदर भी डायग्राम है

अब आते हैं ओवल की तरफ ओवल तो एक बहुत कॉमन शेप है आप ये शेप एग में भी देख सकते हैं पपाया और काफी फ्रूट्स इस शेप के होते हैं नेक्स्ट हमारे पास शेप है जो बहुत कॉमनली यूज है और हम देखते भी रहते हैं वो है ट्राइंगल ट्राइंगल एक शेप है जो आपको डिफरेंट चीजों में भी मिल सकती है जैसा कि आप अपने ऑरेंज को कट करते हैं उसको फोर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जैसा कि आपकी बुक के अंदर भी गिवन है फिर है हेक्सागोन हेक्सागोन की सिक्स साइड्स होती हैं हेक्सागोन भी एक शेप है जो कॉमनली यूज है जिस तरह हनी कॉम्प है हनी जिस जगह में स्टोर करती है उसकी शेप भी हेक्सागोन होती है सो स्टूडेंट्स वी आर डन विद डिफरेंट शेप्स नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स दी सो स्टूडेंट्स वी आर डन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप अब हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स फर्स्ट क्या है हमारे पास लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट में एक वर्ड है सेगमेंट दैट मीन्स अ पार्ट

आप ये पिक्चर देख सकते हैं लाइन की लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं सीरीज ऑफ पॉइंट्स होते हैं जो के एक्सटेंड होते रहते हैं अनलिमिटेड इनफिनिटली। बिकॉज दैट मीन्स दैट इट डज नॉट हैव एनी सेगमेंटेड या टू पॉइंट्स एंड नहीं होते हैं ये वो लाइन होती है जो कि चलती ही रहती है विदाउट गिवन एनी मेजरमेंट सो दिस इज वॉट अ लाइन इज दिस एरो मीन्स दैट इट इज मूविंग इन्फिनिटली ये चले जा रही है अब आता है हमारे पास पॉइंट पॉइंट क्या चीज होती है अ पॉइंट हैज नो लेंथ ब्रेथ और हाइट अ जोमेट्रिकल पॉइंट इंडिकेट्स ऑन अ पोजिशन इट हैज नो डायमेंशन पॉइंट क्या होता है बच्चों इस चीज को हम कहते हैं पॉइंट ना तो इसकी कोई लेंथ होती है ना ब्रेथ होती है और ना ही हाइट होती है लेकिन इस पॉइंट से हम काफी सारी लाइंस को ज्वाइन कर सकते हैं और बना सकते हैं सो so एक्चुअली जब हम पॉइंट बनाते हैं हम इससे कोई लाइन कर सकते हैं या इससे बहुत सारी लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं। अब हमारे पास है स्ट्रेट लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट क्या होता है यह भी एक लाइन सेगमेंट की तरह ही है लेकिन अ लाइन सेगमेंट इज अज ऑफ पॉइंट दैट इज बाउंड एट बोट एंड यू कैन सी ओवर इट इज सिमिलर टू लाइन सेगमेंट ओनली लेकिन यहाँ पे पॉइंट है के बहुत सारे हमारे पास सीरीज ऑफ पॉइंट्स है आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स है वो क्लोजली प्लेट पैक्ड है कुछ थोड़े से उनमें बीच में डिस्टेंस है और कुछ एक स्ट्रेट लाइन है दैट मीन इसके अंदर काफी सारी सीरीज ऑफ पॉइंट्स हैं सो स्टूडेंट्स वी आर डन विद स्ट्रेट लाइन सेगमेंट आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और स्टडी करते हैं रे और डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस को सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट बोर्ड सो स्टूडेंट अब हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है रे रे क्या होता है रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट विद द अदर पॉइंट एक्सटेंडिंग रेक आपके सामने रे की एक इमेज ड्रॉ की गई है उसके पास एक एंड पॉइंट होता है और जो उसकी लाइन है वो चलती ही जाती है यू कैन सी द एरो एरो का ये मतलब है कि वो लाइन रुकती नहीं है वो कंटिन्यूसली किसी जगह पे चलती ही रहती है रे की एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं जैसे कि सन रेज सन की रेस जो है वो सन के एक सोर्स है वहां से स्टार्ट होती है उसके पास एक एंड पॉइंट तो है लेकिन इट कीप्स ऑन 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 गोइंग गोइंग सो इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ रे नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन क्या है डेफिनेशन है स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड इनफाइनेटली ऑन बोथ साइड इज ड्रॉन विदोहेड ऑन द बोथ एंड यू कैन सी द पिक्चर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन क्या होती है इट एक्सटेंड इनफिनिटली ऑन बोथ साइड दोनों तरफ से ये खिंचती ही चली जाती है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए और बी से और इसके पास एरो हेड्स भी होते हैं सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव टूवर्ड्स दोर्ड सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास कॉलिनियर पॉइंट कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है थ्री और मोर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉलिनियर पॉइंट तीन से ज्यादा पॉइंट्स आपको एक लाइन पे नजर आएंगे उसे हम कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर ए बी सी डी ई ये सारे पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को हम कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही होंगे स्ट्रेट होंगे लाइक आप देख सकते हैं ये एक गुड एग्जाम्पल है कॉलिनियर पॉइंट्स की नाउ नॉन ियर पॉइंट्स क्या होता है वो पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं होते जैसा कि आप देख सकते हैं पी क्यू क्यू आर एस पी क्यू आर एस ये चार पॉइंट्स हैं जो कि स्ट्रेट लाइन पे नहीं है सो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास कॉन्क्यूरेंट लाइन्स कॉन्क्ट लाइन्स क्या होता है डेफिनेशन पढ़ते हैं इफ टू और मोर लाइन्स पासिस थ्रू अ पॉइंट दे आर कॉल्ड कॉन्क्ट लाइन्स एक से ज्यादा लाइन एक पॉइंट के थ्रू से पास करती हैं उसे हम कॉन्क्यूरेंट लाइन कहते हैं पहले तो आपको याद होगा हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस भी पढ़ी होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं इंटरसेक्टिंग वो लाइंस होती हैं जिसमें टू लाइंस एक पॉइंट पे मीट होती हैं या उन्हें पास थ्रू करती है एक पॉइंट पे उसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं कॉन्क्यूरेंट लाइंस वो होती हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा लाइन एक दूसरे को पास करती है एक पॉइंट से उसे हम कहते हैं कॉन्क्यूरेंट लाइन आइए देखते हैं एग्जाम्पल तो स्टूडेंट जो फर्स्ट इमेज है वो है हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स की इंटरसेक्टिंग टू लाइंस एक एक दूसरे को पास करती है पॉइंट पे दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट अब हमारे पास कॉन्क्ट लाइंस है कॉन्क्यूरेंट लाइंस वो होती हैं जो दो या दो से ज्यादा एक दूसरे को पास करती है एक सिंगल पॉइंट से उसे कहते हैं कॉन्क्यूरेंट लाइन जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में एक ये लाइन है ये लाइन और ये बहुत सारी लाइंस को अगर हम एक ही पॉइंट पे पास करें उसको कहते हैं कॉन्क्यूरेंट लाइन क्योंकि इनका एक ही कॉमन पॉइंट होता है अब हमारे पास आता है नॉन कॉन्क्यूरेंट लाइंस। वो लाइंस जो एक ही पॉइंट पे पास नहीं होती हैं और आपके सामने जिस तरह तो एक इमेज ड्रॉ की है इसमें एक से ज्यादा लाइन्स है बट दे आर इंटरसेक्टिंग इच अदर लेकिन वो कॉन्क्यूरेंट नहीं है उनका एक फिक्स पॉइंट नहीं है So students we are done with lines and shapes I hope that you enjoyed this lesson take care allah hafiz